जाने पर दोनों समुदायों ने जनता से अपील की है कि फैसला किसी के भी पक्ष में आए, सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अयोध्या में आने जाने वाले लोगों की जांच व पूछताछ करके आने जाने दिया जा रहा है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से कई कंपनियां RAF व CRPF और PSC और पैरामिलिट्री की कंपनी लगाई गई है। अयोध्या राम जन्मभूमि फैसले आने को देखकर लोगों ने राशन पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अयोध्या जिले की जनता में कहीं ना कहीं भय बरकरार है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इसलिए राशन व सब्जियां अपने अपने घर में रखना शुरू कर दिया। तो वहीं इसका असर व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। कुछ व्यापारियों से बात किया गया तो बोले कि बाहरी व्यापारियों ने अयोध्या आना ही बंद कर दिया है, जबकि अयोध्या में हालत बिल्कुल नॉर्मल देखने को मिल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने कर रखे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि ये अयोध्या गंगा जमुना तहजीब का शहर है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल कर रहते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, फैसला किसी के भी पक्ष में आए, यहाँ के लोग को अमन पसंद है। लेकिन यह भी कहा गया कि यहाँ अयोध्या में बाहरी लोग आकर यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब पर दाग लगाकर चले जाते हैं और यहाँ का माहौल खराब करते हैं, इसीलिए शासन प्रशासन से कहा कि बाहरी लोगों को अयोध्या न आने दिया जाए, क्योंकि बाहरी लोगों की अयोध्या का माहौल खराब करने का काम करते हैं। तक पहुंचा जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और दोनों फरीक ने अपनी अपनी दलीलें पूरी वजाहत और ताकत के साथ रखी और कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर दिया। फैसला अनकरीब सुनाया जाने वाला है। किसके हक में फैसला आएगा ये किसी को नहीं मालूम। जिसके हक में भी फैसला आता हो और जिसके खिलाफ फैसला आता हो, दोनों फरीक को चाहिए कि जिसके हक में आता है वो खुशी मनाने के लिए रोड पर ना आए, हंगामा ना करे ताकि दूसरे फरीक को तकलीफ ना हो और किसी तरह से कोई हंगामा बरपा ना होने पाए, और जिसके खिलाफ आता है उसे भी तस्लीम करना चाहिए। अभी लगी है। हाँ, एक चीज है, बाहरी लोग इसके पूर्व में जो है घटना कर चुके हैं, बाहरी लोग ना आवे खाली तो यहाँ एकदम शांति है, कोई बात नहीं है। बाहर के लोग ही आके यहाँ बवाल करते हैं, जैसा कि बाद में घटना में आपने देखा, 90 में देखा, सब बाहर के लोग आए थे, इन लोगों ने खुराफात यहाँ किया। व्यवस्था तो एकदम चाक चौबंद है, यहाँ के कप्तान साहब हैं, DM साहब हैं, उनको पूरा मुख्यमंत्री ने पावर दे रखा है कि आप लोग एकदम हर तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कीजिए, अयोध्या फैजाबाद में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहीं से संदेश जाता है पूरे भारत में पूरे दुनिया में, इसलिए यहाँ में एक बहुत लंबा विवाद जो चला रहा था उसका जजमेंट दुनिया के सामने बहुत जल्दी आने वाला है। इस पर मैं तपस्वी आचार्य पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी परमहंसाचार्य उर्फ महंत परमहंस दास, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों को धर्मादेश जारी करता हूं कि जो भी सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आए सब लोग उसको श्रद्धा और निष्ठा के साथ में स्वीकार करें। सर्वोच्च न्यायालय हमारे सबसे बड़ी अदालत है और सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। जिसमें हर वक्त शांति रही है और जहां युद्ध ना हुआ हो ऐसे शाब्दिक अर्थ अयोध्या का यही है, और वर्तमान समय में श्री रामलला की पावन जन्मभूमि पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आना है। इस परिप्रेक्ष्य में दोनों समुदाय के लोग, हमारे जो संत महात्मा सदगृहस्थ बंधु हैं अयोध्यावासी हैं और जो मुस्लिम बंधु यहाँ निवास कर रहे हैं रह रहे हैं या जो श्रद्धालु जन आए हैं, सभी लोगों को अपने संयम से धैर्य से भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं और करना चाहिए। आने वाले समय में भी फैसला आने पर सब लोग संयम बना का जो भी आदेश आएगा हम लोगों को सर्व सम्मति से मान्य है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण न्यास सुप्रीम कोर्ट के सम्मान में जो भी आर्डर आएगा, डायरेक्शन आएगा, उसका सम्मान हम लोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर के कोई भी नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश जन भावना, संतों के, धर्माचार्यों के भावनाओं के
अनुरूप पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के भगवान श्री राम जी नायक थे और श्री राम जी का मंदिर जन्मस्थली पर ही, श्री राम जन्मस्थली पर ही बनेगा, ऐसा ही डायरेक्शन आने वाला है, ये हम लोगों को पूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है। हालांकि जो भी आदेश आएगा हम लोग शिरोधार्य करेंगे उसको। मुस्लिम पक्षकार भी बार बार इस बात को रिपीट कर चुके हैं, सुलह समझौते वार्ता में भी कर चुके हैं हम लोगों के बीच में, कि जो भी डायरेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो हम लोगों को सर्वमान्य होगा, उसमें कहीं से कोई अगर मगर किंतु परंतु लेकिन नहीं हम लोग करेंगे, ये बार बार उन्होंने भी दोहराया है। सबों का सम्मानित सुप्रीम कोर्ट से है